नमस्ते बच्चों, अगले पीरियड में हमने देखा था कि आदमीनामा में नज़ीर अकबराबादी का परिचय तथा कविता का परिचय हमने करवा कर लिया था और इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने देखे थे। तो बच्चों, आज हम इस कविता को सीखने वाले हैं। तो चलो इस कविता का पहला पद पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, पहला पद है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस वो गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। बच्चों, यहाँ पर कवि आदमी के भिन्न भिन्न रंगों रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो दुनिया का बादशाह बना बैठा है वह भी एक आदमी है, उसके पास दुनिया भर की धन दौलत और अधिकार है। तो दूसरी तरफ जो बिल्कुल गरीब है अथवा भिखारी है वह भी तो एक आदमी है। जिसके पास बहुत दौलत है वह भी आदमी है, और जो कमज़ोर है वह भी आदमी ही है। जिसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है और जो रोटी के टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी है। यहाँ कवि ने आदमी के जीवन की विभिन्न दशाओं का विश्लेषण किया हुआ है। दूसरा पद है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको तारता है सो है वो भी आदमी। अब देखते हैं दूसरे पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो नज़ीर अकबराबादी ने यहाँ पर मनुष्य के कई रूपों, आदतों और स्वभावों का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, वह भी एक आदमी है जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है, और जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है वह भी आदमी है, जो इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं वे भी आदमी हैं। इन सब के विरुद्ध जो बुरे लोग हैं, जो मस्जिद में आकर लोगों के जूते चुराते हैं, वे भी तो आदमी हैं। तो दूसरी तरफ कवि कहते हैं, जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं वे भी आदमी हैं। तो इस दुनिया में कई तरह के परस्पर विरोधी काम करने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर दूसरे पद में कवि ने हमें बताया है। जो हमारा तीसरा पद अब हम देखते हैं, तीसरा पद है, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब देखते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान वार देता है, तो दूसरी तरफ बुरे स्वभाव का व्यक्ति तलवार लेकर किसी के ऊपर वार कर उसे मारने के लिए भी कम नहीं पड़ता या पीछे नहीं हटता, तथा समय पड़ने पर दूसरे आदमी की पगड़ी उतारने अथवा उसे अपमान करने के लिए भी आदमी तैयार होता है। जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को पुकारने वाला भी एक आदमी होता है, और उस पुकार को सुनकर दौड़कर चले जाने वाला, उसकी रक्षा करने वाला भी एक आदमी है। आदमी के ये जो अलग अलग रूप यहाँ पर बताए गए हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि जीवन की जो बदलती परिस्थितियाँ हैं उससे भिन्न भिन्न भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है लेखक ने यहाँ पर आदमी को, कि आज जैसे परिस्थिति बदल रही है वैसे वैसे परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की जो भूमिका है वो भी बदल रही है। यही तीसरे पद में हमें नज़ीर अकबराबादी कह रहे हैं। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा चौथा पद है,
अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिलपजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो बच्चों, इस प्रस्तुत पंक्तियों में यही कवि बता रहे हैं कि आदमी अगर सज्जन है तो सबसे कमीना भी और बुरा भी आदमी है। वह राजा से मंत्री तक सभी रूपों में सामने आता है। दुनिया में दूसरों के दिल जीतने वाला भी सबसे अच्छा कौन है, तो वो भी एक आदमी है। एक तरफ शिष्य कहने वाला भी एक आदमी है और गुरु यानी पीर कहने वाला भी एक आदमी है। इस तरह कवि मिसाल देते हैं कि सबसे अच्छा अगर आदमी है तो सबसे बुरा भी आदमी ही है। तो बच्चों, यही था हमारा चार पदों का आदमीनामा, जहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी जी ने हमें आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को और उसके अंदर के उन गुणों के बारे में और कमियों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।